फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको तत्काल टिकट जल्दी से बुक करना है वो कैसे करना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसके करने से आप जल्दी से तत्काल टिकट बुक कर पाओगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जैसे कि आपको तत्काल टिकट बुक करना है वो भी फास्ट करना है, क्योंकि क्या होता है कि 11 बजे तत्काल टिकट स्टार्ट हो जाता है। आपका जो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा IRCTC एक्सक्लूसिव करके एक ऑप्शन मिलेगा। सो फ्रेंड्स, इधर आपको माउस लेके जाना है आपका नीचे की तरफ। तो आपको क्या करना है, जो ये IRCTC ई वॉलेट डिपॉजिट है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टिकट बुक करने से पहले जो भी हमारे टिकट का अमाउंट है उससे 10-20 रुपये एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड करके रखेंगे। ओके, तो आपको जैसे आपका टिकट 500 रुपये का है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 550 ऐड करके रखेंगे ताकि हमारा जो टिकट बुक होगा उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर आपको डिपॉजिट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मान लो, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 100 रुपीज डिपॉजिट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप कन्फर्म में भी आपको सेम अमाउंट डालना है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ पर आप पैसे ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर आपको भीम UPI USSD का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, और यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करोगे तो वो आपके 100 रुपीज के लिए आगे जाएगा। ओके, अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हो, यहाँ पर आपका बैंक का लिस्ट दिखेगा, यहाँ पर आप अपना बैंक सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का आपका यूज कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी पैसे ऐड कर सकते हो। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, भीम UPI का ऑप्शन करेंगे, ठीक है, UPI का यूज करेंगे और यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेक पेमेंट का, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है पेमेंट के लिए, ठीक है। अगर आपके पास पेटीएम अकाउंट है तो आप पेटीएम से भी अकाउंट यहाँ पर पैसे ऐड कर सकते हो। अगर आप UPI के थ्रू ऐड करना चाहते हो, जैसे गूगल पे हो गया, ओके, जैसे गूगल पे हो गया या फिर कोई दूसरा ऐप हो गया, ठीक है, यहाँ पर उसको आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग UPI का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको अंडर VPA या फिर आपको जो आपका UPI नंबर है, मतलब जो आपका मोबाइल नंबर है जिससे आपका अकाउंट ऐड है, तो यहाँ पर उसको एंटर कर दीजिए, ठीक है। मैं जल्दी से यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक नीचे की तरफ आपको वेरीफाई UPI नंबर पर क्लिक करने का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है इसको एक बार। ये वेरीफाई हो गया है और मेरा यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हाईलाइट भी हो गया है, ठीक है, ऑप्शन पे 100 रुपीज वाला। तो यहाँ पर उसको क्या करना है, आपको पे पर क्लिक कर देना है। पे पर क्लिक करोगे तो जैसे ही आपने यहाँ पर पे पर क्लिक किया, तो आपके मोबाइल के ऊपर जहाँ पर आपका वो एप्लीकेशन है वहां पर एक मैसेज आएगा, ठीक है, और वहां पर एक पॉपअप दिखेगा आपको पे करने का। तो वहां से आपको पे कर देना है कि आपका जो 100 रुपीज था वो सबमिट हो गया है। ओके, अभी आपको क्या करना है, माई अकाउंट के अंदर जाना है, माई प्रोफाइल के अंदर जाना है, और यहाँ पर आपको एड एंड मॉडिफाई मास्टर लिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। ओके, यहाँ पर उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ आपको एक एंटर करना है आपका डिटेल्स, और आपको सरनेम के साथ, अगर सरनेम है तो यहाँ पर आपको सरनेम भी डाल देना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आधार कार्ड के हिसाब से अपना सिलेक्ट कर लेना है, कर लीजिए। मेल जेंडर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, यहाँ पर आपको कौन सा बर्थ चाहिए आप अपने चॉइस रख ले सकते हैं। यहाँ पर साइड लोअर, यहाँ पर आपको कोई वेज खाना खाना है उसके अंदर वेज चाहिए, नॉन वेज, या आपको फूड नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर नो फूड कर दीजिए। आधार कार्ड, बैंक पासबुक या फिर आपका जो भी है आप इसके साथ लगाना चाहते हो। आधार कार्ड की डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये लिस्ट ऐसे आ जाएगा आपके सामने, जितने भी आपने ऐड करे हैं यहाँ पर आपको इसका लिस्ट दिखने लग जाएगा। अभी हम लोग करेंगे टिकट बुक। टिकट बुक करने के लिए आपको क्या करना है, ट्रेन पर जाना है। यहाँ पर ट्रेन का ऑप्शन दिखेगा, बुक टिकट पर क्लिक कर देना है। मतलब वो आपको जिधर जाना है तो आप उसका डिटेल्स डाल देना आपको। जैसे मैं अभी क्या करता हूँ, पुणे टू मड़गांव, और यहाँ पर आपको तत्काल सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर मान लो मेरे को 9 तारीख को जाना है, तो यहाँ पर इसको सर्च करोगे तो यहाँ पर लिस्ट आपका जो ट्रेन है वहाँ पर आपको दिख जाएगा। आपको अगर AC चाहिए, 3rd AC चाहिए, 2nd AC चाहिए, तो यहाँ पर आपके हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना। जैसे मेरे को स्लीपर लिया है मैंने, और यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ पर 470 रुपये की टिकट है, और मैं यहाँ पर बुक पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर ये
एक पेज ओपन हो जाएगा। अभी देखिए फ्रेंड्स, जो आपने काम किया था जो पहले, तो यहाँ पर आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने किया था ना, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो, तो यहाँ पर आपका लिस्ट आ जाएगा जो आपने नेम ऐड किए थे। मान लो मेरे को इसका नेम ऐड करना है, देखिए यहाँ पर जेंडर, इंडिया, ये ऐसा ऑप्शन मिलेगा आप, दिख रहा है आपको, बट इसमें आपको जैसे इसको एंटर किया, ये देखिए अपने आप सारी डिटेल्स आ गई उसकी, आपको ज्यादा भरने की जरूरत नहीं पड़ी है एक्स्ट्रा, मतलब ऐसा आपको हाथ से मैनुअली डालने की जरूरत नहीं पड़ी। आप झट से इसको सिलेक्ट कर लेना आपको यहाँ से, और उसको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जल्दी जल्दी आप तीन चार चार टिकट बुक कर सकते हो एक टाइम में। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे की तरफ आपको आना है। ठीक है, आने के बाद यहाँ पर कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेड, या यहाँ पर आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर छोड़ देना है इसको और नीचे आना है। और यहाँ पर जो एक ऑप्शन रहेगा आपको, यहाँ पर पे थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, वॉलेट जो हम लोगों ने पैसे ऐड किए हैं IRCTC के वॉलेट के अंदर, तो ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है इधर, पे थ्रू क्रेडिट, ये ठीक है फर्स्ट वाला, और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, अभी 17 बच गई है टिकट, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा लेट कर दिया था इसलिए 17 बच गए, तो आपको जल्दी जल्दी करना है। और बुक करने से पहले एक बार इस पर भी नजर मार लीजिए कि यहाँ पर हो गया क्या, क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग तत्काल टिकट बुक करते हैं ना, तो सर्वर को वो ज़्यादा लोड हो जाता है, थोड़ा स्लो हो जाता है, और इसीलिए हमारा को कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है। बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका जल्दी से हो जाएगा अगर आप फास्ट करोगे ऐसा ऐड करने के बाद। ठीक है, जैसे आपने ये सब डिटेल्स डाल दिया, ये आपका डिटेल्स इधर दिख जाएगा, तुरंत एक नज़र मार के बस आगे बढ़ना है और जल्दी से कैप्चा ऐड करना है आपको, आपको फास्ट करना है। ओके, और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपसे पूछेगा कि भाई आपको पेमेंट किससे करना है, तो यहाँ पर IRCTC को नहीं, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है आपको, लास्ट वाला IRCTC वॉलेट। ठीक है, ये कंफ्यूजन के रहता है, अगर हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं तो यार टिकट रह ही जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है, याद रखना IRCTC ई वॉलेट, ये नोट करके रखना आपको, अमाउंट पर 10 ये तो रहता ही है। ओके, पे बुक पर क्लिक कर देना जल्दी से। जैसे आपने पे बुक पर क्लिक किया, यहां पर आपके मोबाइल के ऊपर OTP जाएगा, तुरंत जाता है, तो यहां पर आपके मोबाइल पर OTP चला गया। ओके, यहां पर उसने बोला है कि आपका इतना अमाउंट लगेगा ₹1910, और आपका जो रिमेनिंग बैलेंस इधर थी, आपको ये बाद में देखना है आपको, और जल्दी से आपका मोबाइल ऑन करके रखना है आपको, जब भी आपका यहाँ पर क्लिक करते हो, और OTP यहाँ पर झट से कंफर्म कर देना आपको। ठीक है, OTP डाला, कंफर्म किया तुरंत। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, आई होप समझ गए होगे कि आपको जो तत्काल टिकट है वो फास्ट कैसे बुक करना है। आपका टिकट कन्फर्म हो जाएगा इधर। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और आप अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।